नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय वाराणसी में हूं। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में एक ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है, बता दें कांवड़ यात्रा को लेकर, जिसमें योगी सरकार का नया फरमान आ गया है कि जितने भी फल विक्रेता हैं उस पर नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक मुद्दा को लेकर कि जो कांवड़ यात्रा वाले जाते हैं अजमंजस में फंस जाते हैं। खाने के बाद पता चलता है कि मुस्लिम तो हमारे साथ हैं, किसी पर्चे के मुताज नहीं है मिश्रा जी बनारस वाले। तो इन्हीं से पूछेंगे कि योगी सरकार को अब यही दिख रहा है और इनकी राय क्या है। तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आपके संघर्ष से आज तक के प्लेटफॉर्म पर हमको मौका मिला और आप यूं ही तरक्की उन्नति करते रहें, जनता के सवाल को उठाते रहें। मिश्रा जी, जो अभी मुद्दा चल रहा है कांवड़ यात्रा शुरू, और पहले से योगी सरकार के तमाम जिलों में, चाहे देखा जाए तो उत्तराखंड में भी, कि दुकानों पर नाम लिखना पड़ेगा, तो ये आपके हिसाब से क्या दिख रहा है? नहीं, ये तो पूरी तरीके से ये एक नफरतवाद का एक और न्यू डाला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब मुद्दे पर राजनीति न करके वो फिर से धर्म की राजनीति के तरफ बढ़ रही है। ये जो नाम और नेम प्लेट लगाने का ब्यौरा है, तो हम ये चाहते हैं, योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि ब्लड बैंक से लेकर के और तमाम हॉस्पिटलों में भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर अब आप जो है नेम प्लेट लगवा दीजिए। जो हिंदू अगर मरता रहे, और ख़ास करके भाजपाई हिंदू जो मरता रहे, उसके ऊपर एक रिबन, ब्लैक चाहे रेड चाहे, वो उसको एक ऐसा कोड दे दिया जाए कि उसको आम आदमी देख करके समझ जाए कि ये भाजपाई हिंदू है। तो कम से कम उसके प्रति हम मुसलमान साथी और अन्य जो सेकुलर साथी हैं, वो उनको पानी और दवा और जो है कोई सहयोग ना कर पाएं। कम से कम पहले भाजपा को हम लोग अलग करें, इस भीड़ से बाहर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों से जलती नफरत करती है, और भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता सबसे ज़्यादा मुसलमानों को अपना दामाद बनाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये नहीं समझ में आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से दूरी बनाना चाहती है, या फिर सत्ता में बैठने के लिए सिर्फ मुसलमान उनके बैसाखी हैं, पहिया है। और रही बात ये कि ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार और ये तमाम पुलिस अधिकारियों को ध्यान में आया कांवड़ यात्रा, सन 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा, ये 10 साल में जो लोग कांवड़िया थे और वो कभी यदा कदा किसी मुस्लिम साथी के यहाँ पानी पी लिए या पकौड़ी खा लिए या चाय पी लिए, तो क्या वो भरभष्ट नहीं हो गया? पूरा भ्रष्ट तो हो गया उन कांवरियों का। उन कांवरियों का तपस्या ये कैसे वापस दिलवाएंगे पिछले 10 साल का, ये तय हो जाए पहले। फिर दूसरी बात ये है कि जो SSP महोदय हैं मुजफ्फरनगर के, जिन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव पारित किया, मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष तौर से उनकी CBI जाँच की जाए कि वो किस सन में, किस बैच में वो प्रशासनिक सेवा में आए हैं, और उनके घर में कौन कौन लोग हैं, ये ज़रूर पता किया जाए। कहीं उनके बाप या दादा या उनके चचा या उनकी माँ कोई RSS संगठन से तो नहीं ना है? क्योंकि ऐसी नीच हरकत, ऐसी नीच सोच धर्म के आधार पर, हमको लगता है कि वो RSS और भाजपा के अलावा इस देश के अंदर किसी भी हिंदू के हृदय में नहीं है। हम तमाम ऐसे आयोजन देखे हैं, हमारे यहाँ बनारस में ही जब दुर्गा पूजा का मेला लगता है या सरस्वती पूजा होती है, हमारे यहाँ रामलीला विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ कपड़े जो बुने जाते हैं, जो राम जी को कपड़ा पहनाया जाता है रामलीला में, वो मुस्लिम साथी बुनता है। और फिर आप मुसलमानों से कई दिन तक और किन किन सवालों पर आप हटेंगे? मिश्रा जी, वो लोग बोलते हैं भाजपा वाले कि बहुत दुकानों में जैसे नाम हिंदू का दुकान रखा जाता है लेकिन उसका मालिक मुस्लिम रहता है, वो लोग छुपाते हैं। तो हाँ, एक बात और आप हमको समझ में आया, शंकर शर्मा RSS का एक बड़ा नेता है और वो बीफ का सबसे बड़ा, माने गौ मांस का सबसे बड़ा आयात निर्यात करने वाला भारत का व्यापारी है, वो RSS का, और उसका नाम जो है अल कबीर करके उसका प्रोडक्ट है जो गो मांस बेचता है। तो ये काम और ये सोच, ये साजिश सिर्फ और सिर्फ भाजपा के जेहन में है, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे काम के आधार पर हो, चाहे नाम के आधार पर हो, तो ये भाजपा वाले ही लोग सोचते हैं। और हम कह रहे हैं कि अभी तक तो कांवड़ यात्रा
या कांवरिया को तमाम मुस्लिम साथी जब वो जाते हैं तो सड़क के किनारे, इसी बनारस में आप देखिएगा, यहीं मैमूरगंज और एरिया है और रथ यात्रा है, और पूछिएगा कि वहाँ मुस्लिम साथी भी दवा, फ्रूटी, पानी, शरबत लेके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि भगवान पी लो, भगवान पी लो, भैया पी लो, भैया पी लो। तो इस श्रद्धा और इस आस्था को वो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो पूरा हिंदुस्तान है एक ताना और बाना से बुना हुआ एक जाल है जिसको प्यारा हिंदुस्तान कहता है। ताना हिंदू और बाना मुसलमान होता है। इस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हार चुकी है उत्तर प्रदेश में, अब उसकी बौखलाहट फिर से उसी हिंदू और मुसलमान में। और मैंने कहा था एक इंटरव्यू में किसी चैनल में कि मुझे शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं योगी आदित्यनाथ जी हों या मोदी जी हों, इन लोगों का DNA चेक किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद मुसलिम हैं और खुद मुसलिम हो करके मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा सुनियोजित राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। बाप बोले भी थे कि मोदी जी का माई बाप मुस्लिम है, ये किस आधार पर बोले थे? इसलिए बोले थे जब आप परेशान होते हैं, कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो उसके मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है, अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, ये हम लोग पूर्वांचल के भाषा में कहते हैं। ओ माई गाड अंग्रेज कहता है, ओ सेट ये अमेरिकन पर अमेरिकन वाले लोग कहते हैं, ओह जहाँ लग जाए वहाँ हाय या अचंभित कर देने वाला चीज़। तो जैसे ही चुनाव आएगा या जैसे ही कुछ न कुछ होने वाला रहेगा, दशा दिशा बदलने वाला रहेगा देश का, वैसे ही नरेंद्र मोदी, भाजपा और योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों का बुखार चढ़ जाता, एक तरीके से कह लीजिए कि मुसलमानों का भूत सताने लगता है। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर मुसलमानों का भूत कपार पे चढ़ करके बोल रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी को मखदूम शाह बाबा हैं अम्बेडकर नगर में, वहाँ झाड़ू से झाड़ा जाता है भूत प्रेत पिशाच निशाचर बाहरी शक्तियों जो गलत होती हैं, तो झड़वा लें एक बार भैया। हाँ, हमको लगता है कि मुसलमानों का भूत चढ़ गया है भाजपा की सरकार के ऊपर, योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। तो मोदी और योगी को तो पहले झड़वा दो मखदूम शाह बाबा ले जाकर, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण पद पर हैं और जब ये भूत से ग्रसित रहेंगे तो ये अंडाबंडा काम करेंगे। वही अंडाबंडा काम का नज़रिया है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर का SP वो अंडाबंडा काम कर दिया। अभी जब नए सांसद लोग संसद भवन में शपथ ले रहे थे तो वैसी जी बोले जय फिलिस्तीन, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जय फिलिस्तीन क्या, अब ऐसे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एक नारा है, पूर्वजों ने कहा आपके संविधान में है कि हम वसुधै कुटुम्बकम के तर्ज पर जीते हैं, माने विश्व का भाईचारा ही हमारा सबसे मूल सिद्धांत है। यानी उनके समर्थन से सहमत हैं? तो मैं हाँ सबसे सहमत हूँ। हमको फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस जाए भाड़ में, हम इतने बड़े बौद्धिक क्षमता वाले आदमी नहीं हैं। हमको अपना देश देखना है, प्रदेश देखना है। यहाँ प्रदेश में पेपर लीक्स के मामले पर जो है लोग मरते चले जा रहे हैं नौजवान, इस पर कोई किसी पत्रकार का ध्यान नहीं आया। यहाँ जो है किसानों के छातियों पर गोली दाग दी गई, इस पर किसी मीडिया और किसी नेता का आत्मा नहीं कल्पा। यहाँ जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर नेम प्लेट लगा करके दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। 2022 इलेक्शन जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जो 10 सीटों का, उसके जीत की नींव रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नेम प्लेट लगा के कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें गुरु, जब जब नेम प्लेट की, ये जो नेम प्लेट लगाने की प्रक्रिया कर दी गई है मदन भैया, हम आपको यकीन बता देना चाहते हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का नेम प्लेट हटने वाला है, इसलिए ये प्रक्रिया की गई। अच्छा, बनारस में आप हैं, मोदी जी इतना कम वोटों से क्यों जीते? आप तो यहाँ के रहने वाले खुद हैं। उनके गुंडई और उनके जो है बदतमीजी भरे लैंग्वेज और उनके लहजे से, अब नरेंद्र मोदी, हाँ मैं नरेंद्र मोदी को अब कोई पसंद नहीं करता है, हमारे बनारस में अब कोई नहीं पसंद करता है, क्योंकि नफरत को बनारस अपने कोख में जगह नहीं देती है, गुंडई को, भौकाल को। तो बनारस नारा ख़त्म हो गया कि माँ गंगा ने गूंद ले लिया है? उनका नारा कहिया चलता है, आपसे हम पूछे तो आप हमको यह बताइए, कठो नारा वो आज तक दिए हैं, याद है आपको? आपको खुद नहीं याद होगा, आप खुद भूल जाएंगे उनका नरवा याद करते करते, कि कभी डिजिटल इंडिया, तो कभी मेक इन इंडिया, तो कभी हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो कभी जो है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आत्मनिर्भर हो गए दौड़ करके,
वो छटपटाता पुरुष हैं भारतीय पॉलिटिक्स के। हमको लगता है उस जन्म में वो मछली पैदा हुए थे और इस जन्म में वो नरेंद्र मोदी पैदा हो गए, तो वो छटपटाते रहते हैं। उनको खाली अडानी अंबानी का धन चाहिए, इसलिए वो छटपटाते पुरुष हैं और भटकता हुआ भारत के वो छटपटाते पुरुष हैं जिनका नाम। हमारा एक सवाल और है मिश्रा जी कि राजभर समाज में बहुत नेता है, ओम प्रकाश जी का बहुत कोसते हैं, तो आपके हिसाब से राजभरों में कौन भला कर सकता है, राजभर को आरक्षण कौन दिलाएगा? कभी अनिल राजभर बोलते हैं, कभी ओम प्रकाश जी, कभी महेंद्र राजभर आजाद बनारस वाले, कौन है आपके हिसाब से? नहीं नहीं देखिए, हम तमाम लोग, देखिए एक बात हम बताएं, ओम प्रकाश राजभर जी अब अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, राजभर समाज को बेचने का काम किया और जब तक वो विपक्ष में तब तक हम जैसे नौजवानों के वो शहंशाह हुआ करते थे। बहुत ही अच्छी और गहरी हमारी मुलाकात उनसे हुआ करती थी, मैं बड़ा सम्मान करता था। मुझे ये लगता था कि ओम प्रकाश राजभर संघर्ष के कोख से निकले हैं और संघर्ष के ही रास्ते वो चल करके राजभर समाज को एक नया मुकाम देंगे, लेकिन बेचारे उन्हों भूखा नंगा थे, अब क्या करेंगे। वो जब सबसे ज़्यादा अगर राजभर समाज को जलील किसी ने किया तो कोई और अन्य नेता नहीं जाति का, वो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर थे। ओम प्रकाश राजभर विकलांग मंत्री हैं, ओम प्रकाश राज अरे अनिल राजभर जी भाजपा के विकलांग मंत्री हैं, खुद विकलांग है, आरक्षण पे कुछ ना बोलना, पिछड़ों दलितों के हक हिस्से पे कुछ ना बोल पाना, तो वो गूंगा और विकलांग मंत्री हैं, तो उनसे भी उम्मीद ख़त्म हो गई। हाँ, बीच में हम शुरू से सदैव से संघर्ष के लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, तो हम महेंद्र राजभर आज़ाद जी हैं, वो बनारस के लीडर हैं, मैंने उनको बड़ा ही करीब से देखा, उनको समझा और उनके उनके विचारों को समझने की कोशिश किया, तो हमको ये लगा कि नहीं, वो अगला आदमी एक एक राजभर की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को बढ़ाता है। उनको भी तो लोग बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन को समर्थन काम काम का, तो कहाँ जाएंगे इंडिया वाले लोग, इंडिया में जाएंगे कि पाकिस्तान चले जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिए, ये सवाल पूछिएगा कि आप इंडिया वाले हैं कि नहीं है। जो इंडिया वाले हैं वो इंडिया वाले के तरफ जाएंगे, हम लोग इंडिया वाले लोग हैं। हाँ, पिछले कई चुनावों में या कई इंटरव्यू में हमने डायरेक्ट महेंद्र राजभर जी का नाम लिया, उसमें भी दूसरे लोग लबादा पहन करके दूसरा नाम लेकर अपना नाम, उनका नाम महेंद्र राजभर था, वो विपक्ष से मलाई काट रहे हैं। विपक्ष के लोग भी ज़मीनी हकीकत में, चाहे अखिलेश यादव जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, वो भी जो है महेंद्र राजभर के नाम पर। अब हम महेंद्र राजभर आज़ाद को कह रहे थे जो बनारस के नेता हैं, और कुछ लोग महेंद्र राजभर जो है मऊ वाले तनी कहाँ वाले हैं, उनसे तो मैं जान उनको मैं देखा भी नहीं, वो हमसे मिले भी नहीं, तो हम उस आदमी का नाम क्यों लेंगे? लेकिन फिलहाल सुनने में आ रहा है कि आजकल वो मलाई वलाई काट रहे हैं कायदे से, वो भी अपना दौड़ धूप रहे हैं बेचारे। लेकिन भैया देखो, राजभरों के समाज में, राजभर समाज में हम सबको एक बात कहना चाहते हैं और राजभर समाज के पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहते हैं कि देखिए, आपके समाज पर जो आफत आपके जाति के ठेकेदारों के द्वारा लाई गई है, उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये कब तक हम दूसरे माने अपने जाति के ठेकेदारों के हाथ बिकते रहेंगे? उनको तो हम मजबूत कर जा रहे हैं, लेकिन हम वो सही भूखा नंगा भिकमंगा की तरह रह जा रहे हैं। तो महेंद्र राजभर आज़ाद जो बनारस वाले हैं साथी हमारे, उन जैसे लोगों के साथ जा करके उनको पढ़ाने की कोशिश। हम ही नहीं कहते हैं कि अंधभक्त होकर के महेंद्र राजभर आज़ाद के चरण में जाके गिर जाओ राजभरों, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि महेंद्र राजभर आज़ाद जी के एक्टिविटी को देखिए, पहले उनको समझिए, उनके संघर्ष को देखिए। साधन संसाधन विहीन महेंद्र राजभर आज़ाद जी, न दलाली है, न ठेकेदारी है, न कब्जेदारी है, न रंगदारी है, लेकिन फिर भी अगला आदमी अपने टू व्हीलर से जो है राजभर समाज की जनचेतना को जगा रहा है, शिक्षा की तरफ ले जा रहा है, आरक्षण की लड़ाई को लड़ना चाह रहा है, तमाम उन जन मुद्दे को लड़ रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, न विपक्ष का नेता और सत्ता पक्ष के तो रडार पर है वो अगला, उसको तो चाहे जब भी उसको हमको सबको मार डालेंगे सब जो है। तो आखिरी सवाल मनोहर मिश्रा जी है कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाजपा सरकार 14 से 24 में हुई तो लोग अंधभक्त हो गए, इससे पहले इतने साल कांग्रेस रही तो वो कौन थे लोग? वो लोग जो है दूरदृष्टि वाले लोग थे, खुले भक्त थे। भाजपा अंधभक्त बनाती है और कांग्रेस खुला भक्त बनाती है, उसको एक तरीके से राष्ट्रभक्त भी आप कह सकते हैं। तो असली बनाम नकली का लड़ाई था, और वो 10 साल में नकली वाले जो फर्जी प्रोडक्ट बना करके बेचते थे उनका खुल गया है,
उनका प्रोडक्ट जहर है, यानी भाजपा का प्रोडक्ट जिसने स्वीकार किया वो आत्महत्या को अपने गले लगा लिया, अपने लाश को वो मणकड़का घाट, गंगा के किनारे घाट या कब्रिस्तान पहुंचा देगा। मरने का शौक़ है तो भारतीय जनता पार्टी शौक से आप उसको चूज कर सकते हैं, वो उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। जीने का शौक है और जीने का शौक है तो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य जो घटक दल हैं या जो अन्य स्वतंत्र टाइप के लीडर हैं, महेंद्र राजभर आज़ाद, बनारस वाले मिश्रा जी और तमाम जो पप्पू यादव, ये लोग तो इन सब ताकतों के साथ जा करके जुड़िए और काम करिए और देश के लिए अपना नाम रोशन करिए। ठीक है, चैनल पर समय देश के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बताते हैं मिश्रा जी, बनारस वाले, इनका कहना है कि योगी जी और मोदी जी को जाने की झाड़ फूँक कराने की ज़रूरत है और जो नए कानून लेकर आए हैं लोग, ये बोल रहे हैं कि ये फरमान नहीं चलना चाहिए, देश में सबका रहने का हक है और पहले जो कांवर यात्रा में चलते थे लोग वो भी कहीं ना कहीं रुककर दुकानों पे अपना चाय नाश्ता करते थे, तब ध्यान नहीं था। ये 2024 में यूपी में हारने के बाद नए कानून लेकर आए हैं लोग, तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक चैनल देखते रहिए।